जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आज बनाएंगे टेस्टी ब्रेकफास्ट। हमने एक चम्मच छोटा सा तेल लिया है, उसमें हमने मूंगफली डाली है यानी कि पीनट्स हमने यहाँ पर डाले हैं। हम आज आपके लिए लेके आए हैं ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी जो 10 से 15 मिनट में बन जाती है। एंड स्पेशली आजकल देखिए कुकिंग करने की ज़रूरत सभी को हो गई है, तो ये रेसिपी सभी के लिए परफेक्ट है। जो कुकिंग करना नहीं भी जानते वो भी बना पाएंगे। हमने दूसरे पैन में एक चम्मच तेल लिया है। अब हम डालेंगे एक चम्मच यहाँ पर राई, मस्टर्ड सीड्स, फिर अब हम डालेंगे इसमें एक ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च कटी हुई, चने की दाल, इससे तड़का बहुत अच्छा आता है, और ये हमारी उड़द की दाल है, तड़के वाली दाल आप बोल सकते हैं। ये जब आप इसको नाश्ते में बनाएंगे ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंची टेस्ट आएगा। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में, जहां आजकल हम दिखा रहे हैं आपको इंस्टेंट बेसिक ब्रेकफास्ट स्नैक्स सब्जी रेसिपीज ताकि हर कोई कुकिंग कर सके, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है जहां घर का खाना खाना है सबको। घर का खाना किसी को भी बनाना पड़ सकता है, तो हर किसी को आना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे कटी कड़ी पत्ता। यहाँ पर मीठा नहीं, ऑप्शनल है, पर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको फ्लेवर भी अच्छा देता है। अब हम इसमें एक प्याज को हमने बड़ा बड़ा काट लिया है वो डाल देंगे। तो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में किसी को ब्रेकफास्ट और खाना बनाने का कभी बनाया नहीं है और उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें सिंपल आसान रेसिपी हम दिखा रहे हैं। आज हम दिखा रहे हैं सेवैया उपमा की रेसिपी। ये मूंगफली साइड पर हम सेकते रहेंगे, और जब ये साइड बाई साइड हो रहा है तो हम एक और ऑप्शन आपको बताएंगे। हमारी प्याज जब तक हो रही है तब तक देखिए जो सेवैया होता है ना वो कच्चा होता है, तो आपको सिवइये का क्या करना है, हमने टाइम बचाने के लिए कर लिया। पर इसी वक्त आप एक पैन लीजिए, बड़ा सा बर्तन लीजिए, पानी डालिए, बॉईल करिए, उसमें एक चम्मच तेल और नमक डालिए, एक चम्मच तेल और नमक डालिए, और उसके बाद आप सिवइयाँ डाल दीजिए एक बोल भरकर, और 5 से 7 मिनट उसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से फुल फ्लेम पे आप उसको बॉयल होने दीजिए, और आप देख लीजिए कि आपकी सिवैयाँ जो है वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 80% कुक्ड। अभी हम आपको हाथ से करके दिखा देंगे। ये देखिए सिवैये को हम हाथ से करके दिखाते हैं, ये देखिए ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, 80% कुक होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो जब तक आपकी सब्जियाँ सॉटे होंगी, आपकी मूंगफलियाँ बनेंगी, साइड बाई साइड आपकी सिवैयाँ भी हो जाएंगी। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल रहे हैं, जो भी कलर के हैं, हमारे यहाँ तीनों कलर का अवेलेबल था तो हमने डाल दिया है। अगर आपको भी मन कर रहा है ये देख के खाने का तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए। हाँ, कि सिवैया उपमा होलसम मील हो जाती है, लाइट भी रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है, तो घर में आपके सभी को भाएगी। और ये हमारी मूंगफली यहाँ पर हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स। अब हम हमारे इसमें इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालता है, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हमने सिवैया में भी नमक डाला है तो थोड़ा कम यहाँ डालिएगा, और पिंच ऑफ हल्दी हम यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि हल्दी अभी खानी चाहिए इसीलिए। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कलर आ रहा है इसका। यस भक्ति जी, और सिवैयाँ देखिए पूरे इंडिया में हर किसी के घर में होती है, कभी मीठी सिवैयाँ बनाते हैं, साउथ में सिवैयाँ उपमा बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। अभी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम तड़के वाली। अब हमने यहाँ पे सिवैयाँ हमारी डाल दी है क्योंकि अभी और कुक होगी यहाँ पर, इसलिए हमने इसको 80% कुक करा है, और एकदम कलरफुल नाश्ता आपका यहाँ पर बनता है। अच्छी लग रही है तो शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि अभी सभी को ज़रूरत है इजी खाना बनाने की, घर के खाने के खाने की, घर का खाना खाइए, स्टे हेल्दी स्टे फिट एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए अब हम इसको ढक के इसको अभी हम सिकने देंगे 2 से 3 मिनट, और जब तक 2 से 3 मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पर अराउंड 1500 लोग हैं, और जो हम आजकल हम हर वीडियो में कर रहे हैं, हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। कहते हैं प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि प्रार्थना और दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव बना देता है। गैस हमारी स्लो फ्लेम पे ही है,
एक मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, हम कुछ भी नहीं हिलाएंगे हमारी रेसिपी को, तो आप बेझिझक होकर प्रेयर करेंगे। अभी इंडिया में सारी फैमिली इसको ज़रूरत है प्रेयर्स की, यू नो, सपोर्ट की, मोटिवेशन की, तो हम ये लिस्ट कर सकते हैं कि आइए 1,500 लोग करके प्रेयर करते हैं। कलेक्टिव प्रेयर में बहुत ताकत होती है, कहते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। तो आंख बंद करके जिस भी प्रेयर को आप मानते हैं वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, हम चैंट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे ऑल ऑफ़ यू स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एवरीवन। जिस भी फैमिली को, सारे डॉक्टर्स नर्सेस सभी को खूब सारी ब्लेसिंग्स एंड ढेर सारा थैंक यू फॉर व्हाट दे आर डूइंग। इट्स अमेजिंग, उनकी वजह से सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सब लोग स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। दो प्यारी सी लाइन जो कल मेरे को आई थी मैसेज में व्हाट्सएप में, मैं आज आपके संग शेयर करना चाहूँगी। और ये देखिए वो अभी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमारी मूंगफली हो गई है तो हम मूंगफली को ऐड कर देंगे। तो वो दो प्यारी सी लाइन थी, ये मत कहो अपने भगवान से कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, उन मुश्किलों से तुम ये कह दो कि मेरा भगवान तुमसे बहुत बड़ा है। तो ये दो लाइन्स थी जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप भी शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अब हम इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, क्योंकि सेवैयों को हमने ऑलरेडी 80% कुक कर दिया था, तो 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। और गैस को अब हम बंद करके इसमें लेमन जूस डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर पहले ही डाल सकते हैं सब्जियों के संग, पर लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और विटामिन सी भी मिलता है, अभी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। देखिए बन चुका है नाश्ता, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स में, सभी को ज़रूरत है कि घर का खाना खाएं और इसको गर्मा गर्म सर्व करिए और अपनी फैमिली को दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। ट्रस्ट मी, गर्मा गर्म खाएंगे मज़ा आ जाएगा, नूडल्स और नूडल्स सब कुछ भूल जाएंगे हम जब हम ये खाएंगे सेवैयाँ उपमा। कितना कलरफुल है, कितना टेस्टी है। अब इसको बनाइए, खाइए, इन्जॉय करिए। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।